मां के उपचार का खर्च नहीं दिए जाने से आग बबूला युवकों ने पिता पर हमला कर दिया। हत्या के इरादे से आए युवकों को तत्काल कट्टे कारतूस सहित पकड़े जाने से वारदात टल गई है। यह वारदात मानकापुर में हुई। आरोपी अमित रमेश कुशवाहा उम्र 21 साल तथा राहुल रमेश कुशवाहा उम्र 19 साल जबलपुर निवासी है। मानकापुर निवासी रमेश पटेल सब्जी विक्रेता है। आरोपी पटेल की पहली पत्नी के बेटे है। 14 साल पहले पटेल पहली पत्नी को छोड़कर जब से नागपुर आ गया। इसके बाद वह अपनी साली यानी आरोपियों की मौसी के साथ पति की तरह रहने लगा। उसे साली से बेटा भी हुआ। आरोपियों की मां काफी समय से बीमार है। उसके उपचार में बड़ी राशि खर्च होती है। मां के उपचार के लिए आरोपी पटेल से पैसों की मांग करते थे, लेकिन पटेल बेटों को नजरअंदाज कर रहा था। 18 अप्रैल की रात आरोपी पटेल को सबक सिखाने के लिए उसके घर आए। उसे मां के उपचार के लिए पैसे मांगने लगे। पटेल ने पैसे देने से इनकार कर दिया। बाइट। आरोपियों ने चाकू से हमला कर पटेल को जख्मी किया। पटेल की दूसरी पत्नी तथा बेटा बीच बचाव के लिए आए तो उनको भी आरोपियों ने पिटाई कर दी। वारदात का पता चलने पर मानकापुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। उनके पास से कट्टा कारतूस भी मिला है। उन्होंने पटेल को हानि पहुंचाने के इरादे से नागपुर आने की बात बताई। या गुन्ह्यामध्ये फिर्यादी रमेश बहिणी पटेल वय 45 वर्ष राहणार माधवनगर हनुमान नगर गोरेवाडा रोड मानकापूर हद्दीमध्ये राहतात। यांची जे आरोपी आहेत अमित कुशवाहा आणि राहुल कुशवाहा साहिल कुशवाहा हा मायनर आहे आणि जे दोन आरोपी आहेत हे फिर्यादीचीच पहिल्या पत्नीची मुले आहेत। हे मुले जी आहे ते भिटोनी शहापूर जबलपूर येथे राहतात। 15 वर्षापूर्वी फिर्यादीनी या मुलांना आणि त्यांच्या पहिल्या पत्नीला जबलपूर येथे सोडून त्यांनी इकडे येऊन दुसरी पत्नी ज्यांची नीता नावाची पत्नी आहे तिच्यासोबत या हद्दीमध्ये ते राहायला आले आणि दिनांक 18/4 रोजी पहिली पत्नी व तिचे 3 मुले मारुती व्हॅनमध्ये येऊन दवाखान्यासाठी पैसे लागतात त्या करण्यासाठी वडिलांना पैसे मागायला लागले। त्यामध्ये दोघांमध्ये भांडणं झालीत आणि त्या भांडणामध्ये त्या हातभुक्कीमध्ये जी मारहाण झालेली आहे आणि चाकूनी पण मारलं आहे त्याला, तर त्यावरून सदरचा गुन्हा नोंद आहे। त्या जो त्यांचा मोठा मुलगा आहे अमित कुशवाहा याच्याकडून एक देशी कट्टा सुद्धा जप्त करण्यात आलेला आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपूर।